अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपके मन में पढ़ने का जुनून तो है, बस इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से जरूर सुनना। दोस्तों, अगर आप मिडिल क्लास या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप अपना भविष्य सिर्फ पढ़ाई करके ही बना सकते हो। आपके पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि वो आपको किसी अच्छे बिजनेस करने के लिए दे सके। देखो, गरीब या मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप बिना सक्सेसफुल हुए मर जाते हो तो इसमें बेशक आपकी ही गलती है। इसीलिए आपको सक्सेसफुल बनना ही पड़ेगा, और सक्सेसफुल बनने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपके एग्जाम होने में कितना टाइम बचा है ये मैटर नहीं करता। अगर आपका एग्जाम होने में कम समय बचा है तब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपके एग्जाम होने में ज्यादा समय बचा है तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप हर दिन 20-20 घंटे की पढ़ाई करो। कम पढ़ो लेकिन हर दिन पढ़ो। अगर आप हर दिन 5-6 घंटे के भी पढ़ाई करते हो तो ये भी आपके लिए काफी है। बस एक बात हमेशा याद रखना, आपको 5-6 घंटे की पढ़ाई हर दिन करनी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हर दिन 5-6 घंटा पढ़ना ही होगा। घूमो, फिरो, हंसो, रो, कुछ भी करो, लेकिन 5-6 घंटे की पढ़ाई हर दिन करो। अगर आप किसी दिन थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन कभी भी 5-6 घंटे से कम पढ़ने की आलस मत करना, क्योंकि पढ़ाई में आलस करने का मतलब अपने माँ बाप के किए गए बलिदानों का मजाक उड़ाना है। अगर आप सच में अपने माँ बाप के सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो तो आज से, अभी से खुद को पढ़ाई में झोंक दो, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करो कि मैं हर दिन 6 घंटे पढ़ूंगा। और एक आखिरी बात हमेशा याद रखना, पढ़ाई वो इन्वेस्टमेंट है जो जिंदगी भर आपको रिटर्न देता रहेगा।